नमस्कार। बिफोर प्रिंट में खबरों का सिलसिला जारी है और सबसे बड़ा इस समय समाचार जो आ रहा है वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव से, जो कि जिनकी की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बनाई थी उन्होंने, उनसे मिलने पहुंचे हैं लखनऊ में उनके आवास पर। और इस समय कार्यकर्ताओं के बाहर हुजूम खड़ा हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। और आपको बता दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण एक समाचार है, क्योंकि इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव की लगभग जनवरी के पहले हफ्ते में घोषणा होनी ऐसी बताई जा रही है। उस लिहाज से देखा जाए तो ये आपस में गठबंधन की जो बात शायद हुई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए। और शिवपाल पहले से ही इस तरह के एक मैसेज दे रहे थे कि वो चाहते हैं कि बीजेपी को हराना, इसलिए वो अपने भतीजे से सारे गिले शिकवे दूर करके मिलना चाहते हैं। उस समय अखिलेश ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी और एक बयान में, जो सैफई में पुराना बयान था उनका, उसमें कहा था कि वो चाचा को जसवंत नगर सीट दे देंगे, यानी कि उस समय उनकी बातों को मजाक में उड़ाया था। लेकिन आज की जो मीटिंग हुई है, फिर से बता दें आपको, एक बड़ी गंभीर मीटिंग है और बड़ा ही राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से कदम आगे बढ़ा रही है और यदि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी उसके साथ में किस तरह से वो जोड़ने की कोशिश कर रही है, लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रही है, और जो छोटे छोटे पार्टियां हैं उनके साथ में गठबंधन करने की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव हैं, उनका साफ साफ कहना है कि इस चुनाव में वो बड़ी पार्टियों से, राष्ट्रीय पार्टियों से गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनसे गठबंधन करके वो एक बड़ा कुनबा बनाने की फिराक में है। तो फिर से बता दें कि ये मीटिंग थी, लगभग 45 मिनट ये मीटिंग चली और इसके बाद में क्या रिजल्ट आया है अभी आपको फिर बताएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं उसको देखते हुए ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो नेता आपस में मिल रहे हैं, जो कि अखिलेश यादव जो भतीजे हैं और अपने चाचा से मिलने पहुंचे शिवपाल सिंह यादव से, उनकी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसके साथ में गठबंधन की बात कही जा रही है। तो इसके पीछे गठबंधन कितना होगा, कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर चर्चा लगातार उनकी जारी है। और 45 मिनट हो गए इस मीटिंग को और इसके बाद में क्या रिजल्ट आता है ये आपको बताएंगे कुछ देर बाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।